ये देखिए कितने क्रिस्पी और टेम्पटिंग पनीर नगेट्स। मुंह में पानी आ रहा है देख के, माउथ वाटरिंग एकदम बने हैं। चलिए बनाते हैं पनीर नगेट्स। बनाने के लिए ये मैंने पनीर के पीसेस लिए हैं थोड़े से, इस साइज का आपको पनीर के पीसेस लेना है। आप क्यूब्स कट करके रख लीजिए। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, और इसमें अभी डालेंगे आधा नींबू का रस। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मिक्सर में पनीर को मैरिनेट करके रखेंगे। सारे पनीर को हाथ से मसाला में कोट कर देंगे। ये पनीर में अच्छे से मसाला डाल दिया है हमने, और अब इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे ऐसे ही। स्लरी बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसमें पानी डालेंगे, इसका घोल बना लेंगे। लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्लरी बना लेंगे इसका अच्छे से, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। ये हमारी स्लरी तैयार हो गई है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। और एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। ये पनीर को मैरिनेशन होके आधा घंटा हो गया है, अभी इसको फ्राई करेंगे। हमारी स्लरी रेडी है, और मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और एक पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले पनीर का पीस ले लेंगे, उसको स्लरी में डिप करेंगे। उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इसको तेल में फ्राई करने डाल देंगे। इस तरीके से सारे पनीर फ्राई करेंगे। मैंने सारे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, और उसको दोनों तरफ से पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ अच्छा। देखिए हमारे सारे पनीर नगेट्स बनके तैयार हो गए, अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं तेल में से। ये देखिए हमारे पनीर नगेट्स बनके तैयार हो गए हैं। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी है, और बहुत ही इजी है बनाने के लिए। आप इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों का तो बहुत फेवरेट है, बड़ों के भी बहुत फेवरेट है। और बहुत ही इजी तरीके में मैंने बताया है, बहुत झटपट बन जाती है ये पनीर नगेट्स की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है।